LGBTQ यानी समलैंगिकता आज भी एक ऐसा शब्द है जिसे लोग कहीं ना कहीं नकार देते हैं। इसे टबू मानने वाले लोगों को ये आज भी अननेचुरल लगता है, लेकिन एनिमल किंगडम ये बताता है कि दुनिया में 1500 एनिमल स्पीशीज समलैंगिक संबंध बनाती हैं। ऐसे कई शिकारी जानवर हमें देखने को मिलते हैं जो अपने ही जेंडर के सदस्यों को दिल दे बैठते हैं और उन्हीं के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। पानी में रहने वाले जीवों से लेकर आसमान में उड़ने वाले परिंदों तक कई जानवर गे संबंध बनाते हैं, वहीं कुछ लेस्बियन की तरह अपनी जिंदगी साथ बिताते हैं। सेम सेक्स पेयरिंग जंगल की दुनिया में एक आम नियम है। दो जानवर जब भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो उनका पेयर लंबे समय तक चलता है। यकीन नहीं होता ना, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर हो जाएगा। जंगल में होमोसेक्सुअलिटी का मतलब अपने जेंडर के सदस्य से केवल शारीरिक संबंध बनाना नहीं है, बल्कि ये काफी कुछ अपने लिए पार्टनर चुनने से भी जुड़ा हुआ है। सीधी भाषा में कहें तो दो नर जीवों का जिंदगी भर साथ रहना और एक दूसरे की देखभाल करना, प्यार दिखाते हुए रिश्ता कायम करना भी होमोसेक्सुअलिटी का हिस्सा है। अगर आप सोच रहे हैं कि जंगल की दुनिया में इस तरह के रिश्ते कायम नहीं होते और दो जानवर जोड़े में नहीं रहते, तो जिराफ आपकी सारी गलत फहमियाँ दूर कर सकते हैं। जिराफ एनिमल किंगडम में गे संबंधों की जीती जागती मिसाल जिराफ है। इस प्रजाति में संबंध बनाने की 94% एक्टिविटी गे संबंध से जुड़ी होती है, यानी कि नर और मादा जिराफ में जितना प्यार और इकरार देखने को मिलता है, उतनी ही मोहब्बत दो नर जिराफ के बीच भी देखने को मिलती है। दिलचस्प बात है कि मेल जिराफ में फ्लर्ट करने का टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। अपने मेल पार्टनर को रिझाने के लिए ये बेहद ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। कभी कभी इनके तरीके में सॉफ्ट प्यार होता है तो कभी डोमिनेंस भी दिखाई देती है। दो जिराफ मेल पार्टनर एक दूसरे से प्यार जताने के लिए नेकिंग का सहारा लेते हैं। वो अपनी गर्दन और सर को एक दूसरे से रगड़ते हैं। ये प्रोसेस कई घंटों तक जारी रहता है। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से ज्यादा दो मेल पार्टनर की दिलचस्पी इश्क का इजहार करने में होती है। कई बार दो नर जिराफ को मादा के सामने भी मोहब्बत जाहिर करते हुए देखा गया है। इससे जाहिर होता है कि सभी जिराफ को केवल मादा में ही दिलचस्पी नहीं होती, कुछ अपने नर पार्टनर के आगे पीछे घूमने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन्स इजहारे होमोसेक्सुअल इश्क का ये सिलसिला केवल लैंड मैमल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉटल नोज डॉल्फिन्स भी अपने प्यार को इजहार करने में पीछे नहीं रहती। इस प्रजाति के दोनों जेंडर में समलैंगिकता देखने को मिलती है। लगभग एक तिहाई डॉल्फिन सेम जेंडर पेयरिंग करती हुई पाई जाती हैं, यानी मादा मादा के साथ और नर नर के साथ अपना प्यार जताते हुए मिलते हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन अक्सर अपनी स्नॉट से मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश करती हैं। ये ओरल इशारों से पार्टनर को रिझाते हैं। रिसर्च की माने तो मेल बॉटल नोज डॉल्फिन बायसेक्सुअल होती हैं। इनमें कई सदस्य अपने ही जेंडर के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में ये मादा के साथ संबंध तो बनाते हैं, साथ ही अपने जेंडर के पार्टनर के साथ भी रहते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन की कई दूसरी प्रजातियों में भी सेम सेक्स बिहेवियर देखने को मिलता है। लायन जंगल का राजा शेर भी समलैंगिक हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद चौंकिए मत, क्योंकि शेर की प्रजाति में समलैंगिकता काफी आम है। दरअसल अक्सर शेर मादा शेरनी को अपने करीब आने के लिए इस तरह के रिश्ते बनाते हैं। 3 से 4 नर शेर मिलकर साथ काम करते हैं, अपने बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक दूसरे से वफादारी निभाने के लिए ये अक्सर शारीरिक संबंध बनाने का सहारा लेते हैं, ताकि एक झुंड में ज्यादा शेर को देखकर शेरनी उनके झुंड का हिस्सा बन सके। जंगल में नर शेरों की ये तकनीक काफी पुरानी है। कुछ रिसर्चर्स इसे ब्रोमनेंस का भी नाम देते हैं और ये इस प्रजाति के बीच सदियों से चला आ रहा है। अब लायंस की बात आ ही गई है तो जरा उन पर भी नजर डालिए जो पानी में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सी लायंस की। सी लायंस न्यूजीलैंड के तट पर रहने वाले सी लायंस बाकियों से काफी अनोखे हैं। यहाँ रहने वाले सी लायंस के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ 80% मेल सी लायंस गे हैं। ये अपने ही जेंडर के सदस्यों को रिझाते हैं और उनके साथ मेट करते हैं। इसके लिए इनके बीच एक बेहद ही अनोखी प्रक्रिया होती है, जिससे इस बात का फैसला होता है कि कौन सा मेल डोमिनेंट होगा और कौन सा सबमिसिव। इसके लिए दो मेल सी लायंस छाती चिपकाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को छाती से धक्का देने की कोशिश करते हैं। दोनों में से जो अपनी पावर की सुपीरियरिटी दिखा पाता है, वही अपने पार्टनर को डोमिनेट करता है, जबकि कमजोर साथी फिर बाद में अपने साथी की बात मानता है। अक्सर उम्र में बड़े सी लायंस छोटे सी लायंस को अपने साथी के रूप में चुनकर उनके साथ मेट करते हैं।
बोनोबोस। अब समलैंगिक जानवरों की बात हो ही रही है तो हमारे पूर्वज कैसे पीछे छूट सकते हैं। इंसानों में समलैंगिकता इसलिए भी आम है क्योंकि ये ट्रेट एवोल्यूशन के दौर से ही हमारे भीतर रहा है। यही वजह है कि बोनोबो में भी समलैंगिकता कूट कूट कर भरी होती है। बोनोबो प्राइमेट से ही निकली एक स्पीशीज है जिसमें समलैंगिक व्यवहार बच्चों से लेकर एडल्ट बोनोबोज में देखने को मिलता है। आंकड़ा बताता है कि लगभग 60% समलैंगिक एक्टिविटी केवल फीमेल बोनोबोज में ही होती है। दिलचस्प बात है कि आज बोनोबोस की संख्या भले ही काफी कम है लेकिन ये जीव संबंध बनाने की प्रक्रिया में पीछे नहीं रहते हैं। इनमें ये एक्टिविटी साल के सभी महीनों में देखी जाती है। यहाँ नर मादा और बच्चे सभी मिलकर अपने जेंडर के साथ संबंध बनाते हैं। इसके अलावा वो दूसरे जेंडर की तरफ भी आकर्षित होते हैं। बोनोबो जन्म से ही बाइसेक्सुअल होते हैं। दो फीमेल बोनोबोस एक दूसरे से प्यार इकरार जताने के लिए अपने गुप्तांग एक दूसरे पर रगड़ती हैं और ज्यादा से ज्यादा समय साथ देखी जाती हैं। इनका ये व्यवहार काफी कॉमन है। मकाक्स। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। जिससे प्यार होता है उसके साथ गहरा रिश्ता जुड़ना लाजमी है। कुछ ऐसा ही मादा मकाक्स के साथ भी होता है। हालांकि मकाक्स में समलैंगिक व्यवहार मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है लेकिन वो फीमेल ही होती हैं जो लंबे समय तक रिश्ता निभाना जानती हैं। इस प्रजाति में जब भी दो नर साथ आते हैं तो वो केवल एक या दो रातों के लिए ही साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं, जबकि मादाएं ऐसा नहीं करती। वो एक दूसरे से संबंध बनाते हुए बेहद ही गहरा रिश्ता कायम कर लेती हैं और सारा समय साथ ही साथ बिताती हैं। दो फीमेल मकाक्स एक आइडियल रिलेशनशिप की परिभाषा हमें सिखाती हैं। हालांकि प्रजनन की प्रक्रिया में वो नर के साथ संबंध बनाती हैं, लेकिन जब सीजन नहीं होता तब ये फीमेल के साथ रहते हुए एक दूसरे की ग्रूमिंग करती हैं और मुसीबत आने पर रक्षा भी करती हैं। फ्लेमिंगोस। जमीनी सतह से उठकर चलिए अब आसमान में उड़ने वाले परिंदों पर गौर कर लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ज्यादातर पक्षी मोनोगैमस होते हैं। वो एक ही पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बिताने में विश्वास रखते हैं। फ्लेमिंगोस भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इस स्पीशीज में या तो नर और मादा मेट करते हैं या फिर दो मेल और दो फीमेल एक दूसरे के साथ मेट करते हैं। मेटिंग के अलावा ये काफी मजबूत रिश्ता बनाने में विश्वास रखती हैं। दो फीमेल फ्लेमिंगोस और दो मेल फ्लेमिंगोस अक्सर मैरिड कपल की तरह व्यवहार करते हैं। रिसर्च बताती है कि इस प्रजाति का समलैंगिक होना आम है। झुंड में रहने के बाद भी फ्लेमिंगो के कई गे जोड़े भी देखे जाते हैं जो साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वॉलरस। ठंडे आर्कटिक रीजन में रहने वाले वॉलरस बचपन से ही समलैंगिकता को प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल इस प्रजाति में मैच्योरिटी 4 साल बाद आती है। इससे पहले दो नर एक दूसरे के साथ खुशी से संबंध स्थापित करते हैं। एक बार मैच्योरिटी आने के बाद ये बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ब्रीडिंग में ये मादाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और उनसे मेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रजनन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये वापस मेल साथी को ढूंढते हैं जिनके साथ ये पूरे साल रहते हैं। वॉलरस स्पीशीज में ज्यादातर नर होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेते हैं। ये केवल अपने साथियों को रिझाते ही नहीं है बल्कि उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। पानी के ऊपर पत्थर पर आप दो नर वॉलरस को अक्सर साथ चिल करते हुए या सोते हुए देख सकते हैं। शिप। ऊन देने वाली भेड़ भी काफी रोमांटिक किस्म की होती है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 8% शिप सेम सेक्स बॉन्ड में विश्वास रखती हैं। इस प्रजाति में ज्यादातर मेल्स अपने ही मेल साथी में दिलचस्पी दिखाते हैं, वो मादा की तरफ आकर्षित नहीं होते। ऐसे कई मामले भी देखने को मिलते हैं जहां दो नर मादा की प्रेजेंस में भी मेट करते हैं, वो फीमेल में दिलचस्पी कम ही दिखाते हैं। वैसे आपको बता दें कि समलैंगिकता के ज्यादातर मामले डोमेस्टिक भेड़ों में ही देखने को मिलते हैं। जंगल में रहने वाली भेड़ अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, समलैंगिकता एक आम व्यवहार है। जानवर इसे खुलेआम स्वीकार करते हैं। इन्हें इस तरह के रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं होती। ये जिस जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं वहीं अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जानवरों के ऐसे व्यवहार के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।